नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इसी दौरान मैं मौजूद हुई हूँ श्रीरामपुर के वार्ड नंबर 29 में, जहाँ हमारे साथ हैं निर्दलीय उम्मीदवार राजेश सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं, आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है तो कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? इतना दिन आप फील्ड में गए, लोगों तक जन समर्थन किए। देखिए, 10 साल काउंसलर के रूप में हमने जो भी कार्य किया उसको लेकर के जनता के बीच हम गए। जनता ने दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, सहयोग कर रही है जनता, और 100% हम लोग तीसरी बार के लिए चुने जाएंगे, यही आशा और विश्वास के साथ हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो इस आखिरी दिन में आप अपने वोटर्स को क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से आ चुके हैं, लोगों ने आपको देखा है, सुना है, तो आखिरी दिन आप क्या कहेंगे? एक दिन बाद ही फिर वोट देने सब जाएंगे। देखिए, 10 वर्ष मैंने लोगों का कार्य किया है, लोगों के साथ रहने का पूरा सहयोग किया है और उनके साथ मैं रहा हूँ। आने वाले समय में जो 27 तारीख को वोट है, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि 10 साल में अगर मैंने एक भी काम किया है आपका, तो आप मुझे ज़रूर वोट दें, अन्यथा अगर मैंने काम नहीं किया तो आप हम आपके वोट मांगने का अधिकारी नहीं है। इसके साथ ही हमने जो भी बेसिक अम्यूनिटीज है उसको पूरा किया है, रोड, रास्ता, नाली और पीने के पानी की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था हो चुकी है। और उसके बाद हम लोग अगर तीसरी बार चुन करके आते हैं तो हम लोग दो नया प्रकल्प चालू करेंगे। एक है जिसमें रूपश्री के तर्ज पर काउंसलर श्री एक प्रकल्प चालू करेंगे, जिसमें वार्ड के जितने भी गरीब बच्चियां हैं उनके शादी में हम लोग एककालीन 5,000 रुपये का सहायता देंगे उनको, और जो दाह संस्कार के लिए समवती प्रकल्प के तरह ही एक प्रकल्प चालू करेंगे, उसमें 1,000 रुपये हम लोग सहायता के रूप में देंगे। जो भी गरीब अगर गुजरता है तो उनके दाह संस्कार के लिए हम लोग सहयोग करेंगे, अगर तीसरी बार जनता हमको चुनती है तो। तो आपने सुना, हमारे साथ थे राजेश सिंह जी, जो पिछले 10 साल से यहाँ पर पार्षद रह चुके हैं, और उनका कहना है कि नए प्रकल्पों के साथ फिर से वो आना चाहते हैं, अगर जनता उन्हें मौका देती है तो फिर से वो नए प्रकल्पों के साथ आएंगे। मैं संगीता झा, नेशन नाउ।